दोस्तों होगा टूगा चल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों यदि आप जाने अनजाने में किसी भी कोरोना वायरस पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको सूचित किया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो ना इसी एप्लीकेशन का रिव्यू देने वाला हूं और ये एप्लीकेशन बिल्कुल कोरोना वायरस का अलर्ट है। जी हाँ, अगर दोस्तों आप भी एंड्रॉयड फोन यूज करते हो ना तो मैं तो कहता हूँ कि आज ये बिल्कुल गलती ना करे, 3 मिनट का वीडियो को पूरा देखना होगा क्योंकि यही एप्लीकेशन जो है गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है। पूरा रिव्यू करके बताने वाला हूं क्योंकि आप लोगों को नॉर्मली पता नहीं होगा, 100% मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं कि आप जिस जगह पे रहते हैं तो आप लोगों को नहीं पता होगा कि कौन व्यक्ति कोरोना मरीज है, आप लोगों को नहीं पता होगा। लेकिन दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको बताएगा आसपास जो भी कोरोना वायरस का मरीज होगा ना, आपको अलर्ट बताएगा। तो ये एप्लीकेशन को कैसे यूज करना, कैसे आपको सेटअप करना है, सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, मैं कर लेता वीडियो स्टार्ट है। मेरा नाम सितारे और आप देख रहे होगा टोगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों यदि जानना चाहते हैं तो पहले क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को ना सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, 8000 लाइक का टारगेट है पूरा कर दीजिएगा। लाल वाला बटन क्लिक करके चैनल को लीजिएगा, सब्सक्राइब ऑन नोटिफिकेशन दबा देना है, इस वीडियो को शेयर करके दोस्तों और कमेंट में जो ना आपको नाइस ऐप लिखना होगा। तो जैसे आप नाइस ऐप लिखने के बाद दोस्तों आप छोटी सी ऐप को इंस्टॉल करना होगा जो मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा कि जो भी लैंग्वेज आपका वो सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना, फिर नेक्स्ट 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 जैसे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर करना होगा। और रजिस्टर कैसे करना, आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा, करना आपके फोन नंबर पे जो ना ओटीपी आएगा और वो ओटीपी यहां पे डाल देना होगा। तो चलिए फटाफट यहां पे ओटीपी डाल देता हूं और जैसे डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा और यहां पे आपको क्या क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों आपको मेल फीमेल सेलेक्ट करना होगा कि आप लड़की हो या लड़का हो, वो आप यहां पे सेलेक्ट करके सबमिट करना होगा। और सबसे पहले यहां पे नाम डाल करके सबमिट पे क्लिक कर लीजिएगा, आप अपना एज यहां पे डाल दीजिएगा, फिर से आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप कौन सा वर्क कर रहे हैं वो अपने हिसाब से डाल दीजिए, ठीक है। डालने के बाद दोस्तों यहां पे नीचे जाएंगे ना तो इस पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप कौन से स्टेट से आप आए थे, चाइना हो गया, यहां पे इराक, यूएस, बहुत सारा कंट्री होगा, आप जिस कंट्री से यहां पे वहां से आए हुएंगे ना इंडिया में, तो वो आप कंट्री का यहां पे डाल करके जो ना यहां पे क्लिक कर देना होगा। जैसे कंट्री डाल देते तो आपको जो है ना नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना और आपको सबमिट पे क्लिक कर देना कुछ इस तरह से यस डाल करके, और या फिर से यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। और जैसे क्लिक करने का फिर से यस पे क्लिक कर दीजिए, फिर से यस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ ईयरफोन में सुनाएगा, फिर से यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कलर यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे अपडेट आया, पहले नॉर्मल था लेकिन यहाँ पे बहुत सारा चेंजिंग आपको दिखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके आसपास में जो भी व्यक्ति कोरोना मरीज होगा ना तो यहाँ पे आपको अलर्ट दिखने को मिल जाएगा जिससे कि आप जान पाएंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा। लेकिन हमारे एरिया में जो ना अभी भी कोई भी मरीज नहीं कोरोना वायरस से, ना मैं हूँ ना मेरे आसपास जो भी है कोई भी यहाँ पे दिखने को नहीं मिल रहा है। तो आपको जो कुछ इस तरह से आपको कलर दिखने को मिलेगा, मेरे इधर तो नहीं है लेकिन आप जब भी ओपन करेंगे आपके अंदर जो भी कोरोना मरीज होगा ना तो आपको सारा डिटेल यहां पे दिखने को मिल जाएगा। और यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन भी दिया जाएगा कि आपको डॉक्टर से आपको कोई भी चीज प्रॉब्लम होता है तो यहां पे डॉक्टर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। यहां पे सारा चीज जो है ना इंफॉर्मेशन आपको दिखने को मिल जाएगा, वीडियो भी दिखने को मिल जाएगा जिससे कि आप पता लगा सकते हैं। जी हां, और इस एप्लीकेशन को आप क्लिक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं तो इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, वहां से आप इंस्टॉल कर लीजिए। जी हाँ, तो कुछ इस तरह से यूज कर पाएंगे, बहुत ही आसान एप्लीकेशन है, आप यूज करने में कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही इजी यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का वीडियो काफी जबरदस्त, बहुत ही कमाल की लगेगा। वीडियो चलो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लीजिएगा, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।